हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ए एस आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद आर थर्ड चैप्टर फ्रॉम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन सो स्टूडेंट्स अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द पाथ फॉर मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने किसके बारे में पढ़ा था वी स्टडीड द पाथ ऑफ मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया था एंड देन वी ऑल्सो सॉ दैट कि हम सेवेंटी uh, ईयर्स पुराना बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी क्यों यूज कर रहे हैं हमने क्या देखा था वी सॉ दैट कि वाई वी आर स्टिल यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज मेड सेवेंटी ईयर्स एगो सो so, इसके रीजंस हमने पढ़े थे दैट देर वेर थ्री रीजंस जिसकी वजह से हम भी ये कॉन्स्टिट्यूशन आज भी यूज़ कर रहे हैं द फर्स्ट वन वाज कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखते टाइम पर हर एक सेक्शन को इम्पोर्टेंस दिया था कंट्री के जितने भी कास्ट रिलीजन जेंडर्स हैं उन सब पर फोकस किया गया था एंड इसीलिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं सेकेंड क्या रीज़न था द सेकेंड रीज़न वॉज के इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कंट्री के हर सेक्शन से लोग इन्वॉल्व हुए थे हर कास्ट के लोग इन्वॉल्व हुए थे यहाँ पे एंड दैट वाज द सेकेंड रीजन जिसकी वजह से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था एंड द लास्ट वन वाज के कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था तो हर एक क्लॉज पर हर एक वर्ड पर फोकस किया गया था हर एक वर्ड को डिस्कस किया था हर एक वर्ड पर डिबेट्स हुए थे एंड डिबेट कौन डिस्कशंस के कंप्लीट होने के बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया था एंड दिस आर द रीजंस जिसकी वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चन नहीं उठाते गिटिंग बहुत सारी कंट्रीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करना पड़ा है बहुत सारी कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो भी नहीं होता बट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो भी होता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट भी नहीं करना पड़ा हाँ कुछ क्लाजिज़ में हमने अमेंडमेंट्स किए हैं कुछ क्लाजिज़ में हमने चेंजेस किए हैं ताकि हम अपडेटेड रहे बट पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पर कभी भी कोई टाइप का क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ है ठीक है अब हम अपना अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे दिस इज अबाउट द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर हम मेजरली देखने वाले अबाउट द विजन ऑफ महात्मा गांधी के जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ही वॉज नॉट द मेम्बर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट उनका विजन यहां पर हमें दिया हुआ है कि उनका क्या प्रोमिस था उनका क्या थिंकिंग था रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर कंट्री ठीक है स्टार्ट करते हैं इन दिस बुक वी शेल We shall study the exact provision of the Constitution on different subjects. At this stage, let us begin the understanding the overall philosophy of what our Constitution is all about. We can do this in two ways. We can understand it by reading the views of some of the major leaders on our constitution, but it is equally important to read what the Constitution say about its own philosophy. This is what the preamble of the Constitution does. लेट अस टर्न टू दिस वन बाय वन क्या बोला हुआ है यहाँ पर दैट कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन क्या सोच है विजन क्या है वो अंडरस्टैंड करने के लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं वेरी फर्स्ट थिंग हम जो मेजर लीडर्स है उनके थॉट्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर वो स्टडी कर सकते हैं पहली चीज़ हम क्या कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का क्या विजन है वो समझने के हमारे पास दो वेज है द फर्स्ट वे इज़ कि हम मेजर लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या बताया है वो हम रीड कर सकते हैं तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा बहुत ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिलेगा ठीक है एंड सेकेंड वे क्या है द सेकेंड वे इज़ टू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा बुक है तो हम उसको कंप्लीटली तो नहीं पढ़ सकते बट वॉट वी कैन डू इज हम प्रियाम्बिल पढ़ सकते हैं ये प्रियाम्बिल आपने देखा होगा आपकी ऑलमोस्ट सब बुक के स्टार्टिंग पेजेस पर यह प्रियाम्बिल होता है इस प्रियाम्बिल के अंदर जो मेजर चीज़ें हैं जो एक कंट्री को फॉलो करनी है उनके बारे में हमें बताया हुआ है ठीक है सो लेट स्टार्ट सबसे पहले हम लीडर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर हम महात्मा गांधी के विजन के बारे में पढ़ने वाले हैं जैसा मैंने आपको बताया दैट महात्मा गांधी जी जो थे ही वॉज नॉट द डायरेक्ट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेम्बर नहीं थे एंड उन्होंने यहाँ पर अपना विजन हमारे साथ शेयर किया है तो देखते हैं क्या दिया हुआ है some of you may have noticed a name missing from the sketch uh, sketches of the makers of indian constitution. mahatma gandhi. he was not a member of constituent assembly. yet there were many members who followed his vision. years ago, writing in his magazine young india in 1933, he had spelled out what he wanted the constitution to do. that mahatma gandhi, ही वॉज़ नॉट द मेम्बर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या बताया है कि महात्मा गांधी जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेम्बर नहीं थे पर बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो महात्मा गांधी जी के विजन्स को फॉलो करते थे गेटिंग बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो महात्मा गांधी जी के विजन्स को फॉलो करते थे महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया नाम की एक मैगज़ीन के अंदर लिखा था कि उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा चाहिए मतलब वॉट वॉट वॉज हिज विजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन वो उन्होंने यंग इंडिया नाम की एक मैगजीन में लिखा था सो so, यहाँ पर अपने को कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ उनके वर्ड्स दिए हुए हैं तो हम रीड करते हैं टू अंडरस्टैंड दैट वॉट वॉज द आइडिया ऑफ महात्मा गांधी फॉर आर कॉन्स्टिट्यूशन नाउ मैं ये पूरा नहीं पढ़ रही इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं मैं उनके बारे उनको मार्कआउट कर रही हूँ एंड विल डू दैट ओनली ओके यहां पर क्या बताया हुआ है कि महात्मा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या लिखा था दैट ही वॉन्ट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन ही विल वर्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ही विल वर्क फॉर सच इंडिया जहां पर जो पुअरेस्ट है उनको ऐसा लगना चाहिए डैट उनके वॉइस को उनके पॉइंट्स को उनके ओपिनियंस को इम्पॉर्टेंस दिया गया है गेटिंग क्या दिया हुआ है यहाँ पे दैट कंट्री के जो पुअरेस्ट लोग हैं क्योंकि रिच लोगों के पास पैसे होते हैं मनी के साथ पावर भी आता है तो ऑब्वियसली पावर आता है तो उनकी वॉइज को सुना जाता है उनके डिमांड्स को पूरा किया जाता है बट जो पुअर हैं उनको सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है तो so यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था दैट कंट्री के अंदर जो पुअरेस्ट लोग हैं उनकी वॉइस को सुनना है उनके डिमांड्स को फुलफिल करना है ही वॉन्टेड अ इंडिया जहाँ पर पुअरेस्ट लोगों के ओपिनियन मैटर करें पुअरेस्ट लोगों की जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल किया जाए ही वॉन्टेड अ कंट्री जहाँ पर हाई क्लास लो क्लास कुछ है ही नहीं सब सेम है ही वॉन्टेड अ कंट्री जहाँ पर इक्वालिटी हो हाई क्लास लो क्लास ऐसा कुछ भी नहीं हो क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ही हम परफेक्टली पीसफुली रह सकते हैं अगर हाई क्लास लो क्लास हुआ तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्स होंगे लड़ाइयाँ होंगी ना हाई क्लास हैप्पीली और हारमोनी के साथ रह पाएगा और ना ही लो क्लास हैप्पीली रह पाएगा सो ही वॉन्टेड अ कंट्री ही वॉन्टेड इंडिया जहाँ पर कोई हाई या लो क्लास नहीं हो क्योंकि जहाँ पर सब सिमिलर होते हैं वहाँ कॉन्फ्लिक्स ही अराइज नहीं होते जहाँ पर अलग लोग होते हैं वहाँ पर कॉन्फ्लिक्स होने के चांसेस होते सो ही वॉन्टेड अ कंट्री जहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्स नहीं हो। नेक्स्टली ही वॉन्टेड के जो अन का कर्स है जो अन का सिस्टम हमारी कंट्री के अंदर चल रहा है वो कंप्लीटली ख़त्म हो जाना चाहिए गेटिंग जो अन चल रहा है इसके लिए हमने एट्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा था दैट अनटचेबल्स के लिए महात्मा गांधी जी ने हरिजन का नाम दिया था हरिजन मतलब क्या होता है द चिल्ड्रन ऑफ़ गॉड द चाइल्ड ऑफ गॉड सो ही वॉन्टेड अ कंट्री ही वॉन्टेड इंडिया टू बी वन ऑफ दोज कंट्री जहाँ पर अनटचेबिलिटी जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है ही वॉन्टेड के जो ड्रग्स एंड ड्रिंक्स से नशा नशा जैसी चीज़ें होती है वो सब चीज़ें भी ख़त्म हो जानी चाहिए वुमेन विल एन्जॉय सेम राइट एज़ मैन मतलब नेक्स्ट उनका पॉइंट क्या था दैट मेन और वुमेन इक्वल होने चाहिए एंड आई शेल बी सेटिस्फाइड विथ नथिंग एल्स ये जो पॉइंट्स उन्होंने बोले हैं ही वॉन्टेड के ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो पहला क्या पुअरेस्ट अपना ओपिनियन रख सके देर शुड बी नो हाई और लो क्लास कंट्री परफेक्ट हार्मोनी में रहे अन नहीं होनी चाहिए ड्रिंक्स एंड ड्रग्स का इंटॉक्सिकेशन नहीं होना चाहिए मेन और वुमेन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए ये महात्मा गांधी जी का विजन था फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर कंट्री ही सेट के इसके कम कुछ भी होगा तो महात्मा गांधी जी सेटिस्फाइड नहीं होंगे दिस ड्रीम ऑफ इंडिया दैट हैज एलिमिनेटेड इन इक्वालिटी वॉज शेय बाय डॉक्टर अम्बेडकर

डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन इक्वालिटी को हटाने के लिए अपना बेस्ट किया आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वालिटी का क्लॉज डाला हुआ है दैट एवरी वन शुड बी इक्वल हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ऐसा बी आर अम्बेडकर ने बताया है लेकिन इन इक्वालिटी को लेकर गांधी जी का विज़न अलग था और अम्बेडकर का विज़न अलग था सो यहाँ पर हमें अम्बेडकर के बारे में बताया है उन्होंने अपनी स्पीच में बताया था दैट ट्वेंटी सिक्स जानवरी ये भी हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे यहाँ पर दैट इक्वालिटी अम्बेडकर ने कैसे प्रोवाइड की ही टोल्ड दैट कि ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को फाइनली हम फ्री होंगे क्योंकि मैंने बताया था दैट अब तक दैट इज ट्वेंटी सिक्स जनवरी तक हम लोग किसके रूल्स यूज कर रहे थे ब्रिटिशर्स के सो ट्वेंटी सिक्स जानवरी को हम फाइनली फ्री होंगे पॉलिटिक्स में इक्वालिटी आएगी सोशल लाइफ में इक्वालिटी आएगी इकोनॉमिक लाइफ में इक्वालिटी आएगी मतलब हर एक पर्सन को इक्वल स्टेटस मिलेगा भले ही फिर वो पॉलिटिक्स के टर्म में हो मतलब इलेक्शन के टर्म्स में हो सोशल शो, टर्म्स में हो मतलब सोसाइटी कैसे क्योंकि पहले क्या होता था जो ओ बी सीज है एस चीज़ है एस सीज़ उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती थी सो so, बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था दैट वी विल मेक सच अ सोसाइटी जहाँ पर पॉलिटिक्स में भी इक्वालिटी होगी इकोनॉमिक इक्वालिटी भी होगी दैट इज रिच एंड पुअर्स नहीं होंगे एंड सोसाइटी के अंदर भी सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा नेक्स्टली उन्होंने बोला था दैट वन मैन विल हैव वन वोट एंड वन वोट विल हैव वन वैल्यू ये पॉलिटिक्स में इक्वालिटी uh, प्रोवाइड करने के लिए कहा गया था दैट हर पर्सन को एक वोट मिलेगा हर एक मैन uh, हो या वुमेन हो एवरी वन विल गेट वन वोट और उस वोट का वैल्यू भी सेम होगा क्योंकि हमने देखा था कि कुछ कंट्रीज़ में वोट uh, सबको मिल रहे थे बट वोट का वैल्यू डिफरेंट था लेकिन इंडिया में इट वॉज़ क्लियरली स्टेटेड दैट हर पर्सन को एक वोट मिलेगा एंड वोट का वैल्यू भी सिमिलर रहेगा एंड धीरे धीरे करके जैसे पॉलिटिक्स में इक्वालिटी आया धीरे धीरे करके सोशल लाइफ में भी इक्वालिटी आएगा एंड इकोनॉमिक लाइफ में भी इक्वालिटी आएगा मतलब सोसाइटी में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा एंड रिच एंड पुअर्स का जो गैप है वो गैप भी रिड्यूस होगा ये किसने कहा था दिस वाज सेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फाइनली लेटेस्ट टर्न टू जवाहरलाल नेहरू गिविंग इज फेमस स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट दोक ऑफ मिड नाइट ऑन जुलाई फिफ्टीन नाइनटीन फोर्टी सेवन यहाँ पर अभी हमने देखो दो लीडर्स के व्यूज पढ़े हैं पहला किसका व्यू पढ़ा है हमने महात्मा गांधी जी का महात्मा गांधी जी इक्वालिटी चाहते हैं रिच और पुअर का गैप खत्म करना चाहते हैं मेन वुमेन की इक्वालिटी चाहते हैं अनटचबलिटी को ख़त्म करना चाहते हैं एंड पुअर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं बी आर अम्बेडकर जो है इस फोकसिंग मोर ऑन दी पोलिटिकल राइट्स ऑफ द पीपल दैट वोटिंग उन्होंने सबके लिए सिमिलर रखा ठीक है अब हम यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी की स्पीच पढ़ेंगे बिकॉज वी ऑल नो दैट ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था फिफ्टींथ ऑगस्ट तो रात को उन्होंने ये स्पीच दी थी तो इसके भी हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो पढ़ेंगे नाउ उनकी स्पीच में सबसे पहले उन्होंने थोड़ा पास्ट के बारे में डिस्क्राइब किया था ही सेट दैट के काफ़ी ईयर्स से इंडिया ने दूसरों का डोमिनेशन सफ़र किया है क्या बोला हुआ है यहाँ पे दैट लॉन्ग ईयर्स बहुत सारे ईयर्स हमने रूलर्स का डोमिनेशन uh, सफ़र किया है दूसरी कंट्रीज़ ने आके हमें कैप्चर किया था बट अब जब दुनिया सो रही होगी इंडिया विल मूव इन फ्रीडम क्योंकि इट वॉज़ मिड तो उन्होंने क्या कहा वेन द वर्ल्ड इज स्लीपिंग तब इंडिया के अंदर ये जो डोमिनेशन था कॉलोनाइजेशन था जो दूसरी कंट्री के रूल हमारी कंट्री में चल रहे थे हमें कैप्चर करके रखा हुआ था फाइनली ऑन द मिड ये सब चीज़ें खत्म हो रही हैं एंड इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स द फ्रीडम नेक्स्टली उन्होंने क्या बोला हुआ है यहाँ पे दैट दिस इज द रेयरस्ट मोमेंट इन द हिस्ट्री बिकॉज किसी भी कंट्री को फ्रीडम मिलना ये सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट होता है सो य सेट दैट कि फाइनली वो रेरेस्ट मूवमेंट जो है वो हमारी लाइफ में आ चुका है जो पुरानी चीज़ें हैं वो अब सब खत्म हो रही है और हम नए कल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं नाउ ही सेट दैट कि अब वो इस कंट्री के लिए इस कंट्री के बेटरमेंट के लिए वो वर्क करना चाहते हैं देन उसके बाद उन्होंने अपने सेकेंड पैराग्राफ में कहा था दैट फ्रीडम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है कैटिंग जब हमें फ्रीडम मिलता है जब हमें पावर मिलता है तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग अ बेटर कंट्री क्योंकि जब तक हम कॉलोनाइज थे तब तक हमारे पास पावर्स नहीं थे तब तक हम दूसरे के पावर्स में सप्रेस थे हमारे पास फ्रीडम नहीं थी हम कुछ नहीं कर सकते थे बट जब हमारे पास फ्रीडम हमें मिला हमारे पास जब पावर्स आए तो उस पावर के साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी टू मेक अ बेटर कंट्री ठीक है देन उन्होंने कहा दैट ये जो फ्रीडम हमें मिली है ये फ्रीडम बहुत लोगों के पेन बहुत लोगों के सेक्रीफाइज से मिली है ऐसे भी पेन्स होंगे ऐसे भी सेक्रीफाइज होंगे जो लोग बहुत टाइम तक याद रखेंगे क्योंकि जिन लोगों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है उनकी फ़ैमिली ने जो पेन सफ़र किया है वो पेन तो शायद कभी एंड नहीं होगा या बहुत ईयर्स लगेंगे उस पेन को एंड होने में बट फिर भी हमें याद रखना है कि इट वॉज़ द पास्ट और हमें अब आगे की तरफ देखना है पेन होगा सेक्रीफाइज आपने किए हैं आपने सफ़र किया है वो सब कुछ है हो सकता है कि किसी की लाइफ में वो पेन ख़त्म भी नहीं हो जिसके नियर एंड डियर वंस ने सैक्रीफाइस किया है उस फैमिली के पेन्स तो शायद कभी ख़त्म नहीं होंगे बट फिर भी हमें किसकी तरफ देखना है हमें पास्ट की तरफ नहीं देखना है और हमें किसकी तरफ देखना है फ्यूचर की तरफ देखना है हमें देखना है दैट हमारी कंट्री जो है शुड बिकम अ बेटर कंट्री हमें प्लेज करना है कि जो मिलियन लोगों ने सफ़र किया है जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है हम उनकी सेक्रीफाइस को वर्थफुल बनाएं हम एक ऐसी कंट्री बनाएं कि लोग और प्राउड फील करें कि हमने इस कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी तो हमें ऐसी एक कंट्री बनानी है हमें एक कंट्री बनानी है जहाँ पे पोवर्टी इग्नोरेंस डिजीज इनक्वालिटी ये सब चीज़ें एग्जिस्ट ना करें हमें एक ऐसी कंट्री बनानी है एक ऐसा जनरेशन आगे लेकर आना है जहाँ पर हर एक पर्सन हैप्पीली लिव हैप्पीली लिव करे जो सफरिंग्स थी वो सफरिंग्स को अब हमें ख़त्म करना है ये किसकी स्पीच थी दिस वॉज द स्पीच गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू आप देख सकते हो कि इनकी स्पीच में दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जैसे नेल्सन मंडेला की स्पीच हमने देखी थी नेल्सन मंडेला की स्पीच में भी पास्ट और फ्यूचर दोनों चीज़ों के बारे में बताया था गेटिंग नेल्सन मंडेला ने भी क्या कहा था कि हमने एक बहुत क्रूअल uh, पास्ट देखा है बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं बहुत लोगों की लाइफ सेक्रीफाइज हुई है बट अब हमें फ्यूचर की तरफ फोकस करना है सो so, जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी स्पीच में यही कहा है उन्होंने पास्ट को रिकॉग्नाइज किया उन्होंने सिर्फ फ्यूचर के बारे में बात नहीं की उन्होंने अपने जो सेक्रीफाइजिस थे जो सफरिंग्स हमने की है उन सब चीज़ों को भी डिस्क्राइब किया बट उसके साथ साथ उन्होंने कंट्री का फ्यूचर विजन क्या होगा उसके बारे में भी हमें बताया था ठीक है सो दिस वॉज अबाउट द फिलोसॉफीज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट लीडर्स हमने देखा था ना कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की फिलासॉफी कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियोलॉजी कैसे समझ सकते हैं दो वेज से पहला मेजर लीडर्स ने जो बताया है वो स्टडी करके और दूसरा प्रियाम्बल स्टडी करके तो हमने मेजर लीडर्स का स्पीच देखा अगर आप देखोगे तो सब ने इक्वालिटी पीस हारमनी इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया है ठीक है मतलब लीडर्स के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है जहां पर सबको इक्वालिटी मिले जहां पर सबको फ्रीडम मिले ठीक है अब हम देखेंगे वी विल सी के प्रियाम्बल के अंदर क्या दिया हुआ है हमें ठीक है फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लीडर्स के बारे में हमने देखा अभी हम किसके बारे में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल and were in turn nurtured by it form the foundation of india's democracy these values are embedded in the preamble of the indian constitution they guide all the articles of the indian constitution the constitution begins with a st short statement on its basic value this is called preamble to the constitution taking inspiration from the american model मोस्ट कंट्रीज़ इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगेन दर कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्रियाम्बिल क्या दिया हुआ है यहाँ पे दट जब हम अपने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए फ़ाइट कर रहे थे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी बहुत सारे ऐसे वैल्यूज़ थे जिनको हमने इम्पोर्टेंस दिया था जब हम फाइट कर रहे थे तो हम हमारे साथ जब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था तब हमने डिसाइड किया था कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिलेगा तो हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे जब हम फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे तब हमने रियलाइज़ किया कि फ्रीडम कितना इम्पोर्टेंट है भाईचारा कितना इम्पोर्टेंट है सो so, ये सब कुछ बेसिक वैल्यूज़ थे जो फाइट के टाइम पे, स्ट्रगल के टाइम पर हमने देखे थे एंड इट वाज डिसाइडेड कि जब हमको फ्रीडम मिलेगी तब हम इन बेसिक वैल्यूज़ को अपनी कंट्री में फॉलो करेंगे एंड वही बेसिक वैल्यूज़ हमने कहाँ पर लिखी वही बेसिक वैल्यूज़ हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नाउ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बिग बुक उसमें बहुत सारे लॉज लिखे हुए हैं so सो वो पूरा स्टडी करने से बेटर क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें प्रीएम्बल दिया है प्रीएम्बल के अंदर वो बेसिक लॉज लिखे हुए होते हैं जो हर कंट्री फॉलो करता है ये प्रियाम्बिल का जो पैटर्न था वो किसने स्टार्ट किया था अमेरिका ने स्टार्ट किया था अमेरिका ने uh, अपना कॉन्स्टिट्यूशन में पहले प्रियाम्बल लिखा था मतलब बेसिक रूल्स पहले लिखे थे एंड बाद में डिटेलिंग की थी सो so, हर कंट्री मतलब ऑलमोस्ट हर कंट्री जो है वो अब अमेरिका का मॉडल यूज करती है पहले वो लोग प्रियाम्बल लिखते हैं एंड देन उसके बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू करते हैं सो so, यहाँ पर हमें कुछ हम की वर्ड्स दिए ये कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक हम सबकी बुक में सेकेंड थर्ड फोर्थ पेज पर होता है और अगर नहीं है तो यहाँ पर हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है एक एक वर्ड पर जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है जो बेसिक चीज़ें हैं जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, उनको यहाँ पे मार्क किया हुआ है और हम उनके बारे में पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया वी द पीपल ऑफ़ इंडिया क्यों बोला हुआ है क्योंकि अब पावर्स जो है हमारे पास में देखो वी द पीपल ऑफ इंडिया क्यों बोला हुआ है दैट पावर्स हमारे हाथ में है दे आर नॉट विद द किंग और एनी आउटसाइडर किसी भी आउटसाइडर या किसी किंग के पास पावर्स नहीं है पावर्स किसके पास में है पावर्स हमारे पास में है हमने क्या डिसाइड किया है कि हम एक सोवरजन नेशन बनाएंगे इसका मतलब क्या होता है जहां पर पीपल विल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक द डिसीजन पावर किसके पास होगा लोगों के पास होगा पावर को हम किसी भी एक्सटर्नल किसी भी एक्सटर्नल इसको नहीं देंगे पावर किसके पास होगा पावर्स विल लाई विद द पीपल ऑफ़ द कंट्री द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री हम किसी भी एक्सटर्नल कंट्रीज को अपने पावर्स नहीं देंगे हमारे कंट्री को गवर्न करने का राइट रू पावर किसके पास होगा जो कंट्री के अंदर लोग हैं उनके पास होगा किसी भी एक्सटर्नल पावर्स को हमें गवर्न करने नहीं दिया जाएगा फिर दूसरा पॉइंट था यहाँ पे सोशलिस्ट सोशलिस्ट में हमें क्या बताया हुआ है दैट हम एक ऐसी कंट्री फॉर्म करेंगे जहाँ पर शो वेल्थ जो जनरेट हो रही है वो इक्वली शेयर की जाएगी सबको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा सोसाइटी में रिच एंड पुअर का डिफरेंस नहीं रखेंगे हर एक पर्सन को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाएगा ठीक है सो हमने तीन पॉइंट्स पढ़े वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या बताता है दैट कंट्री को रूल कौन करेगा गवर्न कौन करेगा कंट्री विल बी गवर्न बाय द सिटीजन्स कंट्री को कोई भी बाहर का या किंग जो है वो गवर्न नहीं करेगा सोवरजिन so मतलब पावर्स जो है वो हमारे लोगों के पास होंगे कोई भी एक्सटर्नल पावर आके हमको रूल नहीं करेगा जैसे ब्रिटिशर्स ने किया था ऐसे दोबारा कोई भी नहीं कर सकता सोशलिस्ट में हमने क्या देखा है दैट वेल्थ जो जनरेट हो रही है वो हम सबके एफर्ट से जनरेट हो रही है सो so उसको डिवाइड भी इक्वली किया जाएगा किसी भी पर्सन को वेल्थ से दूर नहीं रखा जाएगा सेक्युलर सेक्युलर का मतलब क्या होता है दैट हमारी कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा हमारी कंट्री में सब रिलीजन्स को सब लैंग्वेज को इक्वल स्टेटस दिया जाएगा क्या बताया हुआ है यहाँ पे दैट इट वॉज डिसाइडेड दैट इंडिया विल बी अ सेक्युलर कंट्री आप देख सकते हो कि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडिया कोई रिलीजन ऑफिशियली इंडिया ने अडॉप्ट नहीं किया है क्यों क्योंकि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने प्रीएम्बल में लिया था कि इंडिया विल बी अ सेक्युलर नेशन इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा हम सारे रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं बट इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा नेक्स्ट दिया हुआ है अबाउट द डेमोक्रेटिक द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेर पीपल इन्जॉय इक्वल पोलिटिकल राइट्स इलेक्ट देर रूलर एंड होल्ड देम अकाउंटेबल द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेजिक रूल्स मतलब यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट कैसे डिसाइड होगी ऑन द बेजिस ऑफ इलेक्शन हमारी गवर्नमेंट कैसे डिसाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शनस मतलब हम मिलकर अपनी गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे एंड गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड पावर्स होंगे रिपब्लिक स्टेट का जो हेड है वो इलेक्शन के थ्रू डिसाइड किया जाएगा एंड नॉट जस्ट बिकॉज के इसके फादर किंग या क्वीन थे यूजुअली पहले क्या होता था कि अगर कोई किंग है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट किंग कौन बनता था उनके सन या डॉटर या कुछ भी रहता था बट रिपब्लिक जो है वो क्या शो करता है कि स्टेट के हेड्स को इलेक्ट किया जाएगा कोई भी हेरीडेटरीली वो पोजिशन को नहीं ले सकता है जस्टिस किसी भी सिटीजन के साथ कोई भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा वाइल प्रोवाइडिंग द जस्टिस हर एक पर्सन को इक्वल स्टेटस दिया जाएगा जस्टिस के लिए भले ही फिर वो रिच हो पुअर हो कोई भी कास्ट का हो कोई भी रिलीजन का हो मैटर नहीं करता एवरी पर्सन विल गेट जस्टिस जस्टिस के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा लिबर्टी सबको फ्रीडम मिलेगी लोग जो चाहे वो काम कर सकते जहाँ चाहे कंट्री के कंट्री के अंदर रह सकते हैं जो चाहे वो रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं जो चाहे वो बिजनेस कर सकते हैं उनके पास कंप्लीट फ्रीडम होगा उनके ऊपर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन इसको लेकर नहीं होंगे इक्वालिटी एवरी पर्सन विल बी इक्वल बिफोर द लॉ अगर किसी किंग ने या किसी गवर्नर ने या किसी लीडर ने कुछ गलती की है तो उसको भी सज़ा मिलेगी और अगर किसी पुअर पर्सन ने की है तो उसको भी पनिशमेंट दिया जाएगा मतलब एवरी पर्सन विल गेट द जस्टिस एंड सब लोग लॉ के सामने इक्वल होंगे एंड लास्टली क्या दिया हुआ है अबाउट द फेटर्निटी दैट इज़ हमारी कंट्री के अंदर हम किसी को भी इंफीरियर कंसिडर नहीं करेंगे हर पर्सन के पास हर पर्सन को इक्वल स्टेटस पे कंसिडर किया जाएगा नो पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज इन्फीरियर ऑन एनी बेसिस कलर के बेसिस पर होने दो या कास्ट के बेसिस पर होने दो या जेंडर के बेसिस पर होने दो किसी भी पर्सन को इन्फीरियर कंसिडर नहीं किया जाएगा सो so, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियाम्बिल है ये उसके बारे में लिखा हुआ है मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी जस्टिस लिबर्टी फटर्निटी इन सब चीज़ों को फॉलो करता है ये बेसिक रूल्स है अब इनमें अगर कुछ अगर फ्यूचर में कुछ चेंजेस हमें करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमें याद रखना है कि ये जो चीज़ें यहाँ पे हमने अभी पढ़ी ये जो रूल्स या ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े ये पॉइंट्स में हम चेंज नहीं कर सकते दैट इज़ आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा चेंज नहीं कर सकते जिससे लोगों की लिबर्टी पर इफ़ेक्ट पड़े या लोगों को जस्टिस ना मिले या सेक्युलरिज्म ख़त्म हो या फेटर्निटी या इक्वालिटी पर असर पड़े कोई भी आप ऐसा रूल नहीं बना सकते समझे मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं आप अगर कुछ भी चेंज करते हो तो आपको क्या ध्यान रखना है दैट ये सब चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए तो ही आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस कर सकते हो सो दिस वॉज अबाउट द प्रियाम्बिल हम कह सकते हैं कि गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अब हमारा लास्ट पॉइंट जो है इस चैप्टर का इज अबाउट द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिजाइन किया हुआ है और हम उसको आज भी क्यू फॉलो कर रहे हैं ठीक है तो लेट स्टार्ट इट इंस्टीट्यूशनल डिजाइन अंस्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलोसॉफी as we noted above, a constitution is mainly about embodying these values into the institutional arrangement. much of the document called constitution of india is about this arrangement. it is a very long and detailed document. therefore, it needs to be amended quite regularly to keep it updated. those who crafted the indian constitution felt that it has to be in accordance with the people's aspiration and changes in society. they did not see it as a secret and static and unalterable law so they made provision to incorporate changes from time to time these changes are called constitutional amendments kya diya hua hai yahan pe that constitution mein jo kuch bhi likha hai hum usko blindly follow nahi karte जैसे जैसे time change होता जाता है जैसे जैसे लोगों की demands, लोगों की thinking change होती जाती है It is very much important कि हम उस हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपडेट करें ये बात जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको भी पता थी दे न्यू के आगे चलकर टाइम चेंज होगा लोगों का थिंकिंग चेंज होगा इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन uh, के अंदर प्रोविजन रखा कि हम चेंजेस कर सकते हैं हम अमेडमेंट्स कर सकते हैं मतलब ये जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको जो मार्क वर्ड्स दिख रहे हैं जो हाईलाइटेड वर्ड्स दिख रहे हैं ये सब चीज़ों पर इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए अगर इन चीज़ों पर इफ़ेक्ट नहीं होता तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को अल्टर कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को अपडेट कर सकते हो एक नया रूल ऐड कर सकते हो पुराने के अंदर चेंजेस कर सकते हो पुराने रूल को निकाल भी सकते हो लेकिन ये सब चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो हमने ये पॉइंट्स पढ़े ये सब पॉइंट्स पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए आपके किसी भी चेंज की वजह से इक्वालिटी के क्लॉस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए आपके किसी भी क्लॉस की वजह से लोगों की फ्रीडम हार्म फ्रीडम पे हार्म नहीं पहुंचना चाहिए जस्टिस मेंटेन रहना चाहिए अगर ये सब चीज़ें ये सब बेसिक चीजें रहती हैं मेंटेन रहती है तो आप लॉस के अंदर रूल्स के अंदर चेंजेस कर सकते हो बिकॉज वी नो के टाइम चेंज होता है नई चीज़ें आती है पुरानी चीज़ें हट जाती है तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी वैसा हो जो उन चेंजेस को अडोप्ट करे अगर चेंजेस को अडोप्ट नहीं किया तो लोग उसको फॉलो करना बंद कर देंगे सो so हम उसको कंटिन्यूसली फॉलो करते रहे इसीलिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम उसमें अमेडमेंट्स करते रहे अमेडमेंट मतलब क्या होता है जो चेंजेस हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उन चेंजेस को क्या कहा जाता है अमेडमेंट the constitution describes the institutional arrangement in a very legal language if you read the constitution for the first time it can be quite difficult to understand yet the basic institutional design is not very difficult to understand like any constitution the indian constitution lay down a procedure for choosing person to govern the country it defines who will have how much power to take which decision, and it puts the limit on what the government can do by providing some rights to the citizen that cannot be violated. The remaining three chapters in this book are about these three aspects of working of Indian Constitution. We shall look at some key points, key constitutional provision in each chapter, and understand how they work in democratic politics.

तो मे बी पॉसिबल है कि हम उसको समझ नहीं पाएंगे बट इस बुक के अंदर हमें पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन हमें बता रहा है कि किसके पास कितने पावर्स है गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होगा गवर्नमेंट के कितने पावर्स है सिटीजन्स के क्या राइट्स है इन सब के बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है अब अगले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है जो इंस्टीट्यूशंस है वो कैसे वर्क करते हैं तीन चैप्टर्स में हम ये देखने वाले हैं एंड और जो बाकी चीज़ें रह जाएंगी रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन वी विल स्टडी इट इन द इन नेक्स्ट ईयर बिकॉज ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जर्नी है दिस इज द जर्नी ऑफ टू ईयर्स कुछ इंस्टीट्यूशनल पार्ट्स आप नाइन्थ में कवर करोगे एंड दी अदर विल बी कम्पलीटेड इन दी देंथ स्टैंडर्ड सो यहाँ पे फाइनली हमारा चैप्टर खत्म होता है इसमें हमने क्या पढ़ा वी स्टडीड के कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वी सॉ कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट क्यों है हमें बताते हैं कि पावर्स किसके पास कितने हैं ये सब चीज़ें हमें इस चैप्टर से पता चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स